वचन जो कहता है उसे सबसे पहले काम करने का जो तरीका है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ अपने शब्द मिला दें। आपने वचन सुना, इसलिए वचन के साथ मिलकर कहते जाएं। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द उस वचन से मेल खाएं जो आपने सुना है प्रभु के वचन से। विश्वासी सामान्य रूप में समझते हैं कि परमेश्वर के वचन बहुत ही सामर्थी हैं, परमेश्वर झूठ नहीं कहता, प्रभु के शब्द प्रभावी हैं। ये समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कहना कि परमेश्वर के वचन सामर्थी है तो आपने कोई नई बात नहीं कही है। ये बहुत से विश्वासी लोग अच्छे से जानते हैं, परमेश्वर के वचन प्रभावी है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आपके शब्द सामर्थी है, लोगों को यह स्वीकार करने में परेशानी है। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु के वचन सामर्थी है, पर कैसे कह सकते हैं कि मेरे शब्द जो मेरे मुंह से बाहर आते हैं ये कितने प्रभावी हो सकते हैं? एक कारण ये है कि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। आपको ऐसे करने के लिए बनाया है, बोलने वाले व्यक्ति के रूप में, विश्वास करके बोलने वाले व्यक्ति। वही परमेश्वर के स्वरूप समानता है। तो जैसे परमेश्वर ने विश्वास किया और उसने कहा और हर एक चीज को निर्माण किया, आप भी उसी तरह से बने हैं, इस तरह से काम करने के लिए बनाए गए हैं। वो विश्वास का प्रभु है और आप विश्वास के प्रभु की विश्वास की संतान हैं। ये मुख्य बात है। इसलिए ये कहना कि आपके शब्द भी प्रभावी है, इसमें कुछ गलत नहीं। वास्तव में आज मैं आपको बाइबल से वचन दिखाऊंगा जो ये दिखाते हैं। ये दिखाने के लिए नहीं कि प्रभु के वचन सामर्थी है, उसके लिए बहुत से वचन दिखा सकता हूं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके शब्द कितने सामर्थी है।
बाइबल आपके शब्दों के बारे में कितना बताती है ये बहुत ही अद्भुत है। हमारे शब्द महत्वपूर्ण हैं, न केवल प्रभु के वचन, और विश्वास का जीवन और कुछ नहीं है, केवल विश्वास करना और कहना है, केवल विश्वास करना और कहना है। हम जो विश्वास करते हैं उसे पूरा होते देखना है। अब इस बात को समझने के लिए कई साल लग गए, क्योंकि मैं सोचते हुए बड़ा हुआ। मेरे दिनों में बहुत से लोग कहते थे, खास करके प्रचारक कहते थे, मैं काम करता था, अब मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब सेवकाई में आया हूं, हम विश्वास से जीते हैं, उन्होंने कहा। और इसलिए हम दूसरों की ओर देखते कहते, ये सब सरकारी नौकरी वाले हैं, अच्छी तनख्वाह है, पर हम विश्वास से जीते हैं। इसलिए विश्वास से जीना मतलब आपके पास नौकरी थी, छोड़ दी, पूरे समय के सेवकाई में आ गए, इसलिए विश्वास से जीते। ये मेरी समझ थी उन दिनों में। और इन बातों से निकलने के लिए मुझे कई साल लग गए कि इसमें आओ जिसका अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, कि विश्वास से जीना यह केवल नौकरी छोड़कर आर्थिक बातों के लिए प्रभु पर भरोसा करना नहीं। विश्वास से जीने का मतलब है कि आप कुछ निश्चित बातों पर विश्वास करते हैं गहराई से, और आप उसे कहते जाते हैं ताकि यह अस्तित्व में आ जाए। आप विश्वास करते और कहते हैं ताकि वह अस्तित्व में आए, वही विश्वास का जीवन है। जब आप कहते हैं मैं विश्वास से जीता हूं, इसका मतलब है मैं विश्वासी हूं, कुछ निश्चित बात पर विश्वास करते और आप उसको उद्देश्य के साथ में कहते हैं और अस्तित्व में लाते हैं। इस तरह से आप जीवन जीते हैं, इस तरह से आप उत्पन्न करते हैं, ऐसे विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे आप जीतने वाली सामर्थ्य को उत्पन्न करते हैं, ऐसे आप जीवन की लड़ाई को जीतते जाते हैं। यही तो विश्वास का जीवन जीना है। आप विश्वास करते और कहते हैं, और जब आप विश्वास करते वो कहते हैं और पाते हैं, ये विश्वास का जीवन है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मरकुस 11 अध्याय वचन 23 में मैं आपको याद दिलाऊं कि इस एक वचन में कितनी बार हमारे शब्दों पर जोर दिया है। यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, यहां पर एक बार बताया है कहना, जो कोई कहेगा, न कि परमेश्वर क्या कहता है, जो कोई कहेगा इस पहाड़ से कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने हृदय में संदेह न करे परंतु विश्वास करे कि जो वो कहता है, यहां पर ये फिर से है आपके कहने के बारे में, वो हो जाएगा, उसे मिल जाएगा जो वो कहता है। ये तीसरी बार है आपके कहने के बारे में, आपके शब्द और आपके शब्दों का महत्व यहां पर जोर दिया गया है। तीसरी बार एक वचन में केवल एक ही बार विश्वास का जिक्र हुआ है, तीन बार कहने के बारे में कहा है। यानी विश्वास तो केवल विश्वास करना और कहना है, विश्वास करना और कहना है, ऐसा दिखाई देता है, और इसलिए इतनी बार इसके बारे में बताया गया है। इसलिए आपको वास्तविक रूप में विश्वास करना और कहना है, केवल बोलना नहीं है, विश्वास करके कहना है तो आपको मिलेगा। इसलिए अच्छी बात और बुरी बातें इन शब्दों से ही आती है जो आपने विश्वास किया और कहा है। इसलिए हमें शब्दों के बारे में सावधान रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसे ही बनाया है। जैसे कि कार पेट्रोल पर चलने के लिए बनी है, आपको विश्वास से जीवित रहने के लिए बनाया है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये इसी तरह से आपको ये समझना होगा कि इस तरह से परमेश्वर ने आपको बनाया, आपको ऐसे जीना है। आपको सावधान रहना है कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि अगर आप विश्वास से कहते हैं तो फिर वो हो जाता है। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम सही बातों पर विश्वास करें और कहें। आपको निश्चित बात पर विश्वास करना है, संबंधों के बारे में सकारात्मक होना है, काम के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, परिवार और धन के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन के हर क्षेत्र में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सही बातों पर विश्वास करें और गहराई से विश्वास करें और उन्हें कहते चले जाएं, ताकि वह आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएं। अब इसका मतलब है हमारे शब्दों के बारे में ज्यादा सावधान रहना है, हमें शब्दों को नापना है और देखना है कि क्या कहते हैं। हमें ये निश्चित करना चाहिए कि कोई गलत बात न कहें। लोग कहते हैं हमारे शब्दों के बारे में इतना चुनाव क्यों करना है, हम जो कहते उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रभु जो कहता है उससे फर्क पड़ता है, हम जो कहते हैं उससे कुछ नहीं। ठीक है, यदि हम जो कहते हैं वो कुछ नहीं, तो फिर इन वचनों को कैसे उत्तर देंगे जो आज मैं दिखाऊंगा। यदि आपके शब्द महत्वपूर्ण नहीं, तो फिर क्यों बाइबल आपके शब्दों के बारे में इतना कहती है? तो फिर आप कैसे इसे कहते हैं कि अपना मुंह बंद करे और शब्दों का नाप लेकर उपयोग करे, संयम से उपयोग करे, और ये सब कितनी बार बाइबल कहती है? क्यों एक जगह पर कहती है कि एक भी बेकार का शब्द तुम मत कहना, ये कहती है, और आज मैं आपको ये दिखाऊंगा क्यों। क्योंकि हर एक शब्द फर्क लाता है, क्योंकि हम इस तरह से बनाए गए हैं। इसलिए जब आप अपना मुंह खोलते हैं, खास करके जब हम ये कहते हैं हम कभी नहीं, और फिर उसके बाद जो कहते हैं उसके बारे में सावधान रहें।
कुछ लोग कहते हैं हम कभी काफी पैसा नहीं कमाते कि अच्छा उत्तम जीवन जी सके। हम हमेशा जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं, हमेशा उधार मांगते, हमेशा कमी घटी में रहते, हम हमेशा ऐसी स्थिति में रहते जहां हमारे पास पर्याप्त नहीं। आप कुछ कहते और कुछ क्रिया शुरू करते हैं और आपके शब्द उसके विरुद्ध में काम करते हैं। देखिए, कुछ लोग अपने मुंह को खोलते हैं और इस प्रकार कहते हैं, देखिए मेरा ब्लड प्रेशर। मैंने एक भाई से पूछा कि आप निश्चित हैं यह आपका है? मैं समझता हूं ब्लड प्रेशर, परंतु मैं नहीं जानता कि यह आपका है। कब आपने इसे अपना बनाया? ब्लड प्रेशर तो है, परंतु उसे ब्लड प्रेशर ही कहे, उसे अपना मत बनाइए। क्योंकि जब आप उसे अपना कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर, तो आप उसे लेते हैं। यीशु ने कहा, चिंता मत करो ये कहते हुए कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा और कौन से कपड़े पहनूंगा। जब आप इसे कहते तो चिंता को अपना बनाते। चाहे सब लोग इसे कह दे, लेकिन जब तक आप इसे नहीं कहते, आप इसे अपना नहीं बनाते हैं। आप अपना मुंह खोल कर कहते हैं तो इसे स्वीकार करते हैं। इसलिए बीमारी के संबंध में और भी कुछ बात है, आपको सावधान होना जरूरी है कि आप उसके मालिक न बन जाएं। बीमारी घुसपैठ करती है, चोर के समान है, वो बिना बुलाए घर में चली आती है, सामने के दरवाजे को बिना खटखटाए घर आती है, आपके घर में पीछे के दरवाजे से घुसती है। ये चोर है जो भीतर आया है। अब आप चोर को न्योता नहीं देते, उसे सोफा पर बैठाते नहीं और उसे सॉफ्ट ड्रिंक देकर उसे बातें नहीं करते। जब आप चोर को देखते हैं तो बेहतर है कि उसे भगा दे। आप उसे गर्दन से पकड़कर बाहर निकाले, उसे बाहर का दरवाजा दिखाए, उसे बाहर फेंक दे। और आप उस चोर के विरुद्ध में हैं, आप उस चोर के साथ में सहमत नहीं है, ठीक है? इसलिए बीमारी इसी तरह से है। शायद वो वहां पर है, लेकिन शत्रु जैसे इससे व्यवहार करे। बहुत से लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, वो उसे अपने जीवन में जगह देते, उसका स्वागत करते हैं, उसे स्वीकार करते, उसे अपने ऊपर लेते हैं। बिन बुलाए मेहमान अब हमेशा के मेहमान बन गए हैं, क्योंकि न्योता उन्हें दिया गया है और उसका स्वागत हुआ। ये सब बातें दर्शाती हैं कि कैसे लोग अपने वचनों को, अपने शब्दों की सामर्थ्य नहीं समझते हैं। इसलिए इन बातों को बता रहा हूं। देखिए, एलर्जी के साथ लोग, जानते हैं कई बार लोगों को एलर्जी होती है, इसलिए वो कुत्ते को पसंद नहीं करते। उन्हें एलर्जी है, उन्हें बिल्ली पसंद नहीं आती। क्या आपने इन लोगों को देखा जिन्हें लोगों से एलर्जी है? वो नहीं खड़े रह सकते। उन्हें हवा से भी एलर्जी है, बड़ी कठिन समस्या है। लेकिन बात तो यह है कि कई बार आप पाएंगे कि इन लोगों में कहीं ना कहीं घमंड जो है वो छिपा हुआ होता है, जो कई बार बाहर आता है। इन लोगों में मैंने देखा है कि वो कहते हैं, देखिए आप सामान्य व्यक्ति, आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं एक अति संवेदनशील व्यक्ति हूं, जैसे कि मुझ में कुछ गलत है और वो बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं। मैं अति संवेदनशील व्यक्ति हूं और मेरी एक विशेष समस्या है, जानते हैं, और उसी प्रकार की बातों को मैं यहां पर बता रहा हूं। देखिए, जब मैं आपको दिखाऊं कि कैसे एक व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि उसके बोलने की सामर्थ क्या है, उसके शब्दों की सामर्थ, वो अपने जीवन में बड़ी गलती कर रहा है। देखिए, वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, जानते आप कह रहे हैं कि मैं इस तरह से करूं, लेकिन मैं इसे नहीं कर पाता, मैं क्या करूं? ठीक है, जो आपने पाया उसके बारे में बात करने, इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत नहीं कि बताए कि क्या पाया है। आपने जो पाया उसे बदलना चाहते हैं तो आपको अलग तरह से बोलना शुरू करना होगा, तभी आप इसे बदल सकते जो आपने पाया। हम वो नहीं कह रहे कि आपने क्या पाया है, आपने जो पाया उसे बदलने के बारे में कह रहे हैं। देखिए, आपने जो पाया उसे बदलने के लिए, परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है, परमेश्वर ने आपको दिल दिया, परमेश्वर ने आपको बदलने के लिए वचन दिए हैं। देखिए, हम बोलने वाले प्राणी हैं, न केवल बोलने वाले प्राणी, बल्कि हम वे प्राणी हैं जो शब्दों का चुनाव करते हैं और जीवन को बदल सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया। इसलिए जैसे हमने पिछले हफ्ते याकूब अध्याय 3 से देखा है, वचन 2 ये कहता है, आप सच में पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी जीभ से, अपने शब्दों से। आपका पूरा शरीर नियंत्रण में आ सकता है आपके जीभ से। आमेन। अब मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय चार और वचन 13। हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, पुराने नियम में इसके बारे में बताया था, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने कहा। ये वाक्य पुराने नियम से है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, दाऊद के समान लोग, ये सभी महान परमेश्वर के लोग जिन्होंने बड़े काम किए,
विश्वास के जन, उन सभी के जीवन में हम देखते हैं कि एक तरीका था। और मैं सच में वापस जाकर उन सभी के बारे में ये बता सकता हूं, वो सभी इसी तरह से बने हैं। उन्होंने विश्वास किया और इसलिए उन्होंने कहा, जैसे लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने कहा। अतः हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए कहते हैं। अब नए नियम का व्यक्ति प्रेरित पौलुस कहता है कि हम में भी वही आत्मा है, वही विश्वास का आत्मा जो अब्राहम, इसहाक, याकूब और इन लोगों में था, उन्हीं के समान जैसे उन्होंने विश्वास किया और कहा, हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए हम कहते हैं। जब हम लोगों से बातें करते तो हमेशा पूछिए, क्या आप विश्वास करते हैं? जैसे एक भाई ने मुझसे कहा, जानते हैं मैं वास्तव में कुछ नहीं भाई। मैंने कहा, सच में विश्वास करते? तो उसने कहा, मैं ऐसे ही कह रहा हूं। तो इसे क्यों कहते, सिर्फ ऐसे क्यों कहते हैं, क्या वास्तव में विश्वास करते? देखिए, एक विश्वासी जन वो है जो सच में विश्वास करता और कहता है, विश्वास करते और इसलिए कहते हैं। विश्वास नहीं करते तो ना कहें। यदि विश्वास नहीं करते इसलिए आप नहीं कहते, यदि आप विश्वास करते इसलिए आप कहते हैं। विश्वास के विषय यही सब है। ये मेरे लिए बहुत सरल है, परंतु इस बातों को समझने के लिए कई साल लग गए। विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरे अंदर धार्मिक विचार थे, जानते हैं मैंने कभी इन बातों के बारे में नहीं सोचा, परंतु इसी तरह से यह है, ये एक ढांचा है। आप जाकर अब्राहम, इसहाक, याकूब और इन सभी लोगों के जीवन को देख सकते हैं। उन्होंने विश्वास किया और इसलिए कहा। वो सब ऐसे ही थे, वह ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने बोलने के पहले तरीका सही किया। उन्होंने विश्वास किया और केवल वही बोला जो विश्वास किया और अस्तित्व में लाया जो उन्होंने विश्वास किया और कहा। इसलिए विश्वास का जीवन ये है जहां पर आप विश्वास करते और इसलिए कहते हैं। यदि आप कुछ कहते हैं तो मतलब विश्वास करते हैं, और अगर आप विश्वास नहीं करते तो नहीं कहते। यदि विश्वास नहीं करते तो क्यों कहते कि आप कुछ नहीं हैं? मत कहिए। यदि आप विश्वास करते हैं तभी इसका होना जरूरी है। जो आप विश्वास करते वही कहते हैं, और यही विश्वास के बारे में है। आप इस वचन के बाजू में लिख सकते हैं, जो विश्वास करते केवल वही कहे। इस वचन को समझने का बहुत आसान तरीका है। अब बुद्धि इस प्रकार से है, बुद्धि के विशेष गुण इस तरह है, ये ज्ञान का उपयोग करती है और आज के कार्य को समझती है और आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम होने वाला है। सरल शब्दों में बताऊं, बुद्धि क्या है? बुद्धि ज्ञान का उपयोग करती है यह चित्रित करने में या समझने के लिए कि ज्ञान का उपयोग करती है आज के कार्य का परिणाम कल क्या होगा आपके कल पर। दूसरे शब्दों में बुद्धि यह है, एक मनुष्य बुद्धि के साथ हिसाब करता, यदि आज मैं ये करूं तो कल क्या होगा, कल इसका परिणाम क्या होगा। बुद्धि के विषय यही सब है। यह ज्ञान का उपयोग करती यह समझने के लिए कि आज का कार्य कल क्या लाएगा। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो वो मूर्ख है। बाइबल में नीतिवचन की किताब मूर्ख और विद्वान का फर्क बताती है, मूर्ख कैसे होता है और बुद्धिमान कैसे होता है, बहुत स्पष्ट तरीके से बताती है। यहां और वहां हमेशा पाएंगे, ये नीतिवचन की पुस्तक में दोहराया गया है, मूर्ख कैसे बना है और बुद्धिमान कैसे बना है। आप पाएंगे कि समस्या ये है मूर्ख के साथ, वो जीप पर लगाम के बिना बोलता है, क्योंकि विश्वास का सबसे बड़ा कार्य तो ये है, आपके शब्द जो आपके मुंह से बाहर आते। पिछले हफ्ते हम याकूब एक से देखा, याकूब एक कहता है केवल सुनने वाले न बने लेकिन करने वाले बने। ठीक है, जब हम कहते करने वाले तो हम तुरंत सोचने लगते हैं अपने हाथों और पैरों से करना, काम करना, ये कुछ करते नहीं। यदि आप अगले वचन को देखें, कहता यदि कोई मनुष्य अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं करता, अगला वचन ही कहता है ये कहने के बाद कि आइए से करे, फिर उसका विवरण देता है अगले कुछ दो वचनों में बताता है, और फिर तीसरा वचन कहता है यदि कोई अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं करता। अगर आप अच्छे करने वाले होना चाहते हैं, केवल सुनने वाले ही नहीं, आपने वचन सुना लेकिन कैसे वचन को करते हैं, अपने हाथों और पैरों के काम के विषय में नहीं है, ये आपके मुंह के शब्दों के बारे में है। वचन जो कहता है उसे सबसे पहले काम करने का जो तरीका है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ अपने शब्द मिला दे। आपने वचन सुना इसलिए वचन के साथ मिलकर कहते जाएं, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द उस वचन से मेल खाएं जो आपने सुना है प्रभु के वचन से। शब्द तो पहला काम है। अब लोग इसे नहीं समझते हैं, फिर वो एक बार जानते, वो कहते हैं कैसे आप बोलने को काम कह सकते हैं, कैसे बोलना काम हो सकता है। ठीक है, सृष्टि के बारे में देखिए, प्रभु ने सृष्टि कैसे की? प्रभु ने कहा उजियाला हो, और उसके बाद में ये नहीं कहा कि प्लंबर को बुलाओ, बढ़ई को बुलाओ,
और सभी को लेकर आओ। उसने ऐसे नहीं कहा कि सभी हथियार लेकर आओ, आओ हम काम करें, नहीं। उसने कहा उजियाला हो और उसके बाद एक और बात नहीं की। वास्तव में उसने अपने हाथों और पैरों से काम नहीं किया, जानते हैं? नहीं, उसने कहा उजियाला हो और इसी प्रकार से सृष्टि की। देखिए वचन वास्तव में ऐसे ही काम हो सकते हैं, और वास्तव में जो हमारे हाथों और पैरों से हम काम कर सकते हैं वो उससे भी बढ़कर होते हैं। वचन बहुत सामर्थ्य है। देखिए जब आप सृष्टि को समझते हैं तो आप इस बात को समझना शुरू करते हैं। इसलिए नीति वचन की किताब इस तरह है। यह बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के विषय में बताती है। बुद्धिमान वो लोग हैं जो अपने शब्दों की सामर्थ्य को जानते हैं, इसलिए शब्दों को नापते हैं और हिसाब करके कहते हैं। वो जो कहते हैं उसके परिणाम को समझते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात जो आप कर सकते हैं आपके कल को बदलने के लिए, ये आज के बोलने को बदलना होगा। हेलो, अब हम इस मुद्दे पर आ रहे हैं। मेरे जीवन को बदलने के लिए मैं क्या करूं? लोग कहते हैं हर समय प्रचारक होने के नाते मैं इसका सामना करता। मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा कल बेहतर हो जाए? मैं जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूं, बेहतर होना चाहता हूं हर तरह से। मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं कहता हूं हृदय और मुंह से शुरू कीजिए। कुछ नया विश्वास करना शुरू कीजिए, कुछ अलग अपने मुंह से बोलना शुरू करें। देखिए सबसे बड़ी बात अपने जीवन को बदलने के लिए यही कर सकते हैं। अपने आनंद को बढ़ाने के लिए, अपनी सुरक्षा बनाने के लिए, हर तरह के खतरे और दुख और विनाश से केवल अपने मुंह पर नियंत्रण करते जाएं। जानते हैं यीशु ने कहा याकूब अध्याय 3:4, जहाज के बारे में सोचो। उसने कहा एक पल के लिए मेरे साथ वहां पर चलिए। याकूब अध्याय 3:4, देखो जहाज भी वो जीभ के बारे में उदाहरण दे रहा है। हमारे शब्दों के बारे में, हमारे जीभ के बारे में, हमारे बोलने के विषय, पूरा अध्याय इसी के बारे में है। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, इसका मतलब हवा उसे परेशान करती है, समुंदर भरोसे मंद नहीं होता है, वहां पर तूफान होता है, लहरें परेशानियां खड़ी कर देती हैं, हवा बहुत सामर्थी होती है, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं, वो घुमाए जाते हैं। जहाज में एक व्यक्ति है जो इसे चलाता है, और उस व्यक्ति के पास एक निश्चित मंजिल के लिए संचालित करने के तरीके हैं, और वो मंजिल तक पहुंच सकता है। इसलिए प्रतिदिन सामान उस पर लादा जाता है और प्रतिदिन लोग उस पर चढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कोई बात नहीं, चाहे कितनी भी हवा चले, कितनी भी लहरें उठे, वो वहां जा सकते हैं क्योंकि जाने का एक मार्ग है। और वो कैसे वहां पर पहुंचते हैं? क्योंकि छोटी सी पतवार के द्वारा घुमाया जाता है, ये कहता है। छोटी पतवार से घूमता है। मसीह लोग कहते हैं मैं जीवन की नाव में बैठा हूं और मैं नहीं जानता मैं कहां जा रहा हूं, मैं नहीं जानता जहां हवा लेकर जाती है। नहीं नहीं, बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती। ये कहती है इच्छा करते हैं। आपकी मंजिल क्या है? आप कहां जाना चाहते? क्या आपने निर्णय लिया है? तो आप जहाज को घुमा सकते हैं जहां आप चाहे। कैसे घुमाते हैं? ये छोटी पतवार से आप इसे घुमाते हैं। एक बड़ा जहाज छोटी पतवार से घुमाया जाता। छोटी पतवार क्या है? वो जीभ है। अगला वचन कहता है जीभ वो छोटी पतवार है, वही वस्तु जहाज को घुमाती है। इसलिए आप दक्षिण में जा रहे हैं और आप उत्तर में जाना चाहते हैं, तो आप इसे कैसे घुमाएंगे? ये छोटी सी पतवार को घुमाते हैं, जीभ को। जीभ को एडजस्ट करें, बदल दे जो आप बोल रहे हैं, बोलने के तरीके को बदल दीजिए, कुछ अलग विश्वास करना शुरू करें, अपने मुंह से कुछ अलग बोलना शुरू करें, उद्देश्य के साथ बोलते रहे, शब्दों को नाप कर बोलना शुरू करे। यदि आपने मंजिल को तय कर लिया है, तंदुरुस्ती, शांति, आनंद, सफलता, विजय, ये आपकी मंजिल है, तो आप उसकी ओर घूमते जाएं। और यदि आप उस पतवार को घुमाएं, जहाज बड़ा होने पर भी वो तुरंत नहीं घूम जाता, अगले ही पल में उसके लिए कुछ समय लगता है। आप जानते हैं उसी प्रकार से जिस पल आप बोलना शुरू करते हैं आपने बदलाव को क्रियाशील कर दिया है अपने जीवन में। ये बदलने वाला है। वो शायद एक ही दिन में न बदले, एक हफ्ते में ही न बदले, शायद उसी महीने में न बदले, परंतु ये बदलेगा। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of you.
your presence, there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly, exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. There is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly,